लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी जीते रहो मेरे बच्चों। दादाजी, ओ दादाजी, मेरी बच्ची। दादाजी, क्या ये सच है कि भारत सरकार ने हमारा राज्य छीन लिया? हाँ बेटे, मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपने बाप दादाओं की इस पवित्र भूमि को अपने बच्चों के लिए नहीं बचा सका। इस बात का कलंक हमेशा के लिए मेरे माथे पर लगा रहेगा। लेकिन पिताजी, इस बात को मानने से हम अब भी इनकार कर सकते हैं। यहाँ की प्रजा हमारी है, फौज हमारी है, पुलिस हमारी है। अगर फिर भी किसी ने हमारे साथ जबरदस्ती की तो हम उन्हें तोपों से उड़ा देंगे। नहीं जयपाल, मेरे बेटे, मेरी जान, वक्त की आवाज को सुनो। इतिहास ने हमें नक्शे से मिटा दिया है। इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। तुम्हारी बगावत तुम्हारे नाश को और ज्यादा नजदीक कर देगी। मामा जी, महाराज को ये क्या हो गया? पहले तो उन्होंने कभी इस तरह हिम्मत नहीं हारी थी। थक गए हैं, थोड़ी देर के बाद मैं इन्हें फिर समझाऊंगा। हमारी रियासत को इतनी आसानी से हमारे हाथों से कोई नहीं छीन सकता। जी महाराज, पिताजी, हथियारों से आत्महत्या नहीं, राज किया जाता है। मंत्री जी, पुरोहित जी, हमारे राज तिलक की तैयारी की जाए। महाराजा जयपाल सिंह जी की, महाराजा जयपाल सिंह जी की, उधर सरकार को टैक्स भी दे, इधर राजा साहब को लगान भी। ये अब नहीं होगा चौधरी। देखो ठाकुर, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो हमें टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। खबरदार, खबरदार! उंगलियां सीधी हो या टेढ़ी, मेरे अनाज को छू के तो देखें। ये मत भूलना चौधरी, मेरा बेटा यहाँ का थानेदार है। ये तो और भी अच्छा है अवतार सिंह। ऐसा करना, कल 20 बोरे अनाज के उसी के हाथ और राजा साहब के गोडाउन पर पहुंचा देना, वरना वो अपनी थानेदारी से हाथ धो बैठेगा। जाते जाते हमारी भी एक बात सुनते जाओ चौधरी।
हमारी थानेदारी किसी राजा महाराजा के तलवे चाटकर मांगी हुई खैरात नहीं है। लड़के जानता है किसके सामने जुबान चला रहा है? अभी तो सिर्फ जुबान चला रहा हूं चौधरी, वक्त आने पर ये भी चला सकता हूं। गोली हम भी चलाना जानते हैं बरखुरदार, लेकिन इतनी छुटकी सी पिस्तौल से नहीं। हमारी दीवार पर दुनाली टंगी रहती है, कभी लेकर आना, देख लेंगे निशाना किसका ठीक बैठता है। हम तो आएंगे ही बिटवा, लेकिन तुम यहां नजर नहीं आओगे। जी, बड़े अफसर तुमसे नाराज लगते हैं धीरेंद्र सिंह। ये देखो तुम्हारे तबादले का ऑर्डर। तबादला? हाँ, इसे पढ़ो। इसी छोटे से गांव के छोटे से थाने में तुम्हें भेज दिया गया है। छोटा थाना क्या थाना नहीं होता, छोटा गांव क्या गांव नहीं होता। ये बात नहीं है बाबूजी, बात इज्जत की है। अरे पहले मेरी बात सुन, फिर तू अपनी बात करना। क्या नाम बताया तूने उस गांव का? भीमपुर। हाँ, भीमपुर। भीमपुर से तीन गांव आगे नदी पार रामगढ़ है। हाँ जानता हूँ। रामगढ़ में भी तेरा एक ऐसा ही घर है जैसा कि ये है। छोटे भाई साहब, प्रताप सिंह जी की बात कर रहे हो क्या? अच्छा बाबूजी, आप उन प्रताप सिंह जी की बात कर रहे हैं जिनकी मुन्नी सी बेटी थी? ए लो लो, देखो देखो देखो, मुन्नी याद रह गई। पर देखो, मुन्नी याद रह गई। हाँ बेटा वही, लेकिन अब वो मुन्नी सी नहीं रही है। अब तू देखेगा जानकी को तो होश उड़ जाएंगे। बेटी देखो कौन आया है। नमस्ते। नमस्ते? सिर्फ नमस्ते? बेटी ये तो मेरे भी बड़े हैं, पांव छुओ इनके। बस बस, जीत रहे हो बेटी। बिल्कुल अपनी माँ जैसी। भाई साहब, मैं तो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाऊंगी। ले जाओ भाभी, हमने कब मना किया है, आप ही की बेटी है। अरे तू क्या टुकुर टुकुर देख रहा है, आगे बढ़, पहचान अपनी मुन्नी को। ये समझ रहा था कि जानकी अब भी वैसी की वैसी मुन्नी है। रहने भी दो बाबूजी। इधर आ, इधर आ, इधर आओ बेटी। याद है ये धीरेन, एक बार अपने दांत से तुमने इसका गाल काट लिया था, कितना रोया था ये चोरियों की तरह। भाग गई। हाँ जा जा, तू भी जा जा, तुम लोग जाके अपने बचपन की यादें ताजा करो, हम लोग अपने बचपन की बातें करते हैं। जानकी कैसी लगी? कैसी लगी मतलब? मतलब मुझसे पूछ रहा है? तुम भी तो पहलियां बुझा रहे हो, खुल के बात करो ना। हाँ हाँ करता हूँ करता हूँ। भाई तुमने तो अपनी आंखों से देख लिया कि प्रताप सिंह के साथ मेरा कैसा याराना है। हाँ बाबूजी। अब इस नाते को सदा बनाए रखने के लिए हम दोनों बड़ों ने तुम्हारे बचपन में ही तुम दोनों बच्चों की शादी तय कर दी थी। क्या ऐसा भी कभी होता है बाबूजी? अब ना होता हो, पहले तो होता था और हमने कर दिया। कमाल है। पर इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुझे लड़की पसंद है तो हाँ कह दे, नहीं पसंद है तो मैं जाके प्रताप सिंह से कह दूंगा कि ले भाई मेरा मुंह काला कर दे, लड़का पढ़ लिख गया है, माँ बाप के हाथ में नहीं रहा। लो लो, देखा देखा माँ। अरे इसके भी तो सुनो, इसने कहा ना कह दी है। आ? अरे ना नहीं की, मगर सोच में तो पड़ गया, शायद इसे लड़की सुंदर नहीं लगी। ये मैंने कब कहा बाबू जी? अरे नहीं कहा तो कुछ तो कह। मैंने मैंने उसे इस नजर से देखा ही नहीं। अरे तो फिर उस नजर से भी देख ले, तेरा अपना घर है, कभी भी पहुंच जा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा, इस घर की इज्जत और उस घर की इज्जत में कोई फर्क नहीं। इरादा ना हो तो उस लड़की पे बदनामी की आंच ना आने देना। जय भवानी जी की। आओ आओ धीरेन, कल ही तेरे बाबूजी का पत्र आया था कि तू आ रहा है। बाबूजी ने पत्र भेजा? मुझे तो बताया नहीं, क्या क्या लिख दिया? देख बेटे, जो बातें तेरा बाप तेरे साथ भी नहीं कर सकता, मुझसे कभी नहीं छुपाएगा। हमारी दोस्ती किसी और मिट्टी की बनी हुई है। आओ
आओ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूं। नहीं नहीं नहीं, आप तकलीफ क्यों करते हैं? अच्छा, मैं तकलीफ नहीं करता, तकलीफ करने के लिए जानकी आ गई और पानी ही लेके आ गई। देख बेटी कौन आया है, इसके लिए जलपान लेके आओ। जी। और सुन, मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लौटने में जरा देर लग जाएगी, तू इसे भोजन कराए बिना मत जाने देना, अपने हाथ से गरम गरम रोटी बनाकर खिलाना। अच्छा बाबा। मेरे आने से पहले खिसक मत जाना। स्वाद नहीं लगा क्या? इतना स्वाद लगा कि अगर 10 पेट होते तो 10 के 10 भर लेता, और फिर 10 दिन तक किसी और के हाथ का बना खाना नहीं खाता। जानती है, एक होती है पेट की तृप्ति, दूसरी होती है मन की तृप्ति। मेरी तो आज आत्मा तक तृप्त हो गई। संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया संग संग
संग संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं। संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया जी। 5:30 बज गए। तुझे कहीं जाना है तो जा, घड़े को गिन रहा है? मुझे कहाँ जाना है, वो अपना भानु का बच्चा आने वाला था। चाची थक गया मैं, चलूंगा। हाँ वो भानु है ना, उसे कहना मैंने बहुत इंतजार किया। जानकी, अरे जानकी बहुत दिनों बाद देखा। बस ऐसे ही। अरे तू क्यों नहीं जा रहा, रुक क्यों गया? बल पड़ गया, मेरी कमर में बल पड़ गया, मैं थोड़ा पानी पी लूं। बुआ बुआ दौड़ के आई क्या? घर में मेहमान आ गए थे ना, इसलिए देर हो गई। देर होगी? अरे अभी तो 5:30 ही बज रहे हैं। 5:30? हाँ वो क्या, घर लौटने में देर हो जाती है ना तो बाबा नाराज हो जाते हैं और उन्हें शक होने लगता है कहीं मैं तुम्हें तो नहीं देखने आ गई। फिर डांट भी पड़ती है। तेरे बाबा की मैं अछूत बहन जो ठहरी। नहीं नहीं ऐसे अपशब्द न बोला करो, बाबा कितना भी मना करे मैं तुमसे मिले बगैर थोड़ी रह सकती हूँ। चाची चलता हूँ। अरे तू अभी तक जा रहा है? हाँ। ये क्या हुआ? ये वो पानी पिया है ना। कितना पानी पिया? ये 2 गिलास पिया होगा। हाँ वो भानु आएगा, उसे कहना मैं आया था। चलता हूँ। अजीब लड़का है। मैं भी जाती हूँ, बस फिर आऊंगी ना, देखो धूप ढलने लगी है। जरा ठहर। अचार डाला था नींबू का, तेरे बाबा को बहुत पसंद है ना। पूछे तो कह देना बाजार से खरीदा था। अच्छा ये कोई वक्त आने का, समझा है ना, देर होगी। अगर मैं चला गया हो तो क्या, कल मिलते? कल मिलते। तुम दोनों मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। ऐसा भी क्या है चाची, प्यार करने को पाप है? यही सवाल मैंने बहुत साल पहले इसके बाबा से पूछा था, तो जानते भैया ने क्या जवाब दिया? कस के चांटा मेरे मुंह पर मारा और अगले ही दिन मेरा ब्याह कहीं और पक्का कर दिया। लेकिन ब्याह हुआ तो मेरे चाचा के साथ ही था ना। ब्याह कहते हो ऐसे? तेरे चाचा भी कहां से
अपने आप को आज के जमाने का पृथ्वीराज समझते थे। तलवारें लेकर आ गए, घोड़ों पे सवार, अपने साथियों के साथ मंडप से संयुक्ता की तरह उठा कर ले गए मुझे। इन रगों में भी वही खून है चाची, मेरा प्यार भी किसी तरह कम नहीं। इसके बाद क्या हुआ ये ना भूलो बेटे। 6 महीने बाद जब तेरे चाचा घोड़े से गिरकर स्वर्गवास हो गए, तो तेरे बापू ने समझा कि उनके छोटे भाई की हत्या इसके बाबा ने करवाई। दुश्मनी की आग में जैसे तेल की कढ़ाई गिर गई, दोनों घरों की तलवारें ऐसी खींची जो आज तक अपनी म्यानों में वापस नहीं पहुंची, और भैया का दरवाजा इस विधवा बहन के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। मनु, ये लड़की उस घर से इस घर में कभी नहीं आ सकेगी। तुम लोग ये नादानी मत करो, मत करो मनु, मत करो बेटी। मुझे मालूम था भैया, यही तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे वहां कुएं के पास सूखने के लिए खड़ा करके कि मैं अभी आता हूं, 5 के 6 बज जाते हैं और तुम अभी तक यहां जमे हो। आप पांव लोगी चाची, जय भवानी की। क्या बात है, ये मातम क्यों छाया हुआ है? मैं चलती हूं बुआ। जानकी, जानकी मेरी बात सुनो। सुनो, बापू हमारा इंतजार कर रहे हैं खेतों में। बापू ने मुझे बुलाया है। देखो हनु, तुम मुझसे कह देना कि मैं तुमसे मिला ही नहीं, कोई भी बहाना कर। भैया यही तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम्हारे लिए इतने झूठ बोलने पड़ते हैं कि अब मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हनु, तू मेरा छोटा भाई है ना। एक वो भाई था लक्ष्मण, जो भाई के लिए 14 साल वनवास काट के आया। तू मेरा इतना सा काम नहीं कर सकता। लो लो भैया, यही तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। बार बार मैं रामायण सुनाने लगते हो। अच्छा जाओ, कहीं कोई तुम्हारी सीता को रावण ना उठा ले जाए। रावण, उसकी नाभि में तीर नहीं मार दूंगा। 50 घोड़े हैं तुम्हारे पास, अगर राजा साहब के लिए हम 15-20 ले भी गए तो कौन से तुम बर्बाद हो जाओगे संग्राम सिंह? सवाल हमारे बर्बाद होने न होने का नहीं है कालू सिंह। बिना मोल दिए तुम हमारा एक तिनका भी उठाना चाहो, ये बात नाजायज है। कल तक जो जायज थी आज वो नाजायज हो गई। कल तक जो तुम्हारे अन्नदाता थे आज वो दुश्मन हो गए। जमाना तुमने मैंने नहीं बदला दोस्त, जमाना अपने आप बदल गया। लगान टैक्सों में बदल गए और राजा स्वयं प्रजा बन गए। कुछ नहीं बदला है बंधु, राजा अब भी राजा है और प्रजा अब भी प्रजा है। कालू सिंह अब भी कालू सिंह है और लगान लगान तो अब भी वसूल होंगे। बहुत भौंक रहा है ये कुत्ता बापू, इसे हमारे खेतों में घुसने किसने दिया? कुत्ते के बच्चे, तेरी ये मजा। कालू सिंह, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी पीठ पर तेरे संटर के निशान अगर रह गए कालू सिंह, तो कसम भवानी की तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। उससे पहले ये गांव उजड़ जाएंगे बेवकूफ, चारों तरफ आग के शोले पड़केंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम भी याद रखो, उन शोलों में तुम गिदड़ों की लाशें सड़ेंगी। देखा जाएगा। शाबाश बेटा, शाबाश, तू सचमुच संग्राम सिंह का बेटा है। बस बस बस, आओ अपना अपना काम करें। ओ, ओ। अरे वाह भानु, ये तेवर तो तूने हमें पहले कभी नहीं दिखाए। अच्छा मैं चलता हूँ माजी। अगर ये तेरी माजी है तो मैं कौन हूँ तेरी? अरे सरला, तू तो मेरी बहन से रेखी है। और भानु मैं देख, मैं को छूना मत। क्यों? मोम का बना है जो पिघल जाएगा। देख ठीक नहीं होगा। अरे मोम का क्यों, सोने का बना है मेरा शाम। हट। और तू क्या उसकी राधा है, पूछ ले उससे। बड़ी चंट लड़कियां, कोई काम धंधा है नहीं, हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। लेकिन तू ऐसी नहीं है, यही तेरी बात तो मुझे अच्छी लगती है। उधर ही जा रहा है तो आप बैठ जा। ये बैल तेरे अपने हैं? बैल?
मेरा अपना कोई नहीं। ऐसा क्यों कहती है? सच कहती हूँ, अनाथ हूँ। तो बहुत अच्छी लड़की है कमली, कुछ जरूरत हो ना तो मुझसे कहा कर। क्यों, दया आ गई मुझ पर? नहीं, दया नहीं। तो फिर? तो मुझे अच्छी लगती है। तुम भी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है मंत्री, संग्राम सिंह के 10 घोड़े नहीं बल्कि उसके सब के सब घोड़े हमारे अस्तबल में पहुंच जाएं। पहुंच जाएंगे सरकार। और उसके लौंडे की जो माशुका है जी, एक नजर हम उसे भी देखना चाहेंगे। कौन? मैं हूं कमली, भानु। इस वक्त तुझे बुरा लगा तो मैं लौट जाता हूं। नहीं नहीं, आजा। अच्छा, बड़े अकेले में है झोपड़ी तेरी? झोपड़ी बड़े अकेले में है जिंदगी मेरी। मुझे भी ऐसा लगा, इसलिए आ गया हूं। अच्छा किया, दाल चावल बनाए हैं, खाएगा? तेरे लिए मैं घर से भोजन लाया हूं, दोनों मिलकर खाएंगे। वाह, तेरी दाल चावल के सामने मेरा पकवान तो कुछ भी नहीं। चल झूठा, चखना तो दूर, मैंने ऐसे भोजन को कभी सूंघा तक नहीं। तेरी कसम, मैंने ऐसे स्वाद दाल कभी नहीं खाई। और ऐसी झूठी कसम भी कभी नहीं खाई होगी। देख कमली, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तेरे साथ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं? मैंने तुझे कहा था ना, तू मुझे अच्छी लगती है। इसका क्या मतलब होता है? तू भी मुझे छेड़ेगी तो मैं चला जाऊंगा। तू भी मुझे अच्छा लगता है। सच? भैया की शादी हो जाए फिर? फिर क्या? फिर तुझे रोज मेरे लिए ये दाल चावल बनाने पड़ेंगे। भागी रे भागी ब्रिज बाला, ब्रिज बाला कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। भागी रे भागी ब्रिज बाला, ब्रिज बाला कान्हा ने पकड़ा रंग डाला।
रहने लगी। रंगों की गंगा, रंगों की गंगा, देखो ये मुखड़ा रंग बिरंगा, नीला हरा पीला काला। भागीरे 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 भागी ब्रिजवाला को हमारे हवाले कर दो। हिम्मत है तो ले जाओ। चलो फिक्र मत कर, हमें कोई रस्सी नहीं बांध सकती। हाँ ये देख, जब तुझे मालूम होगा कि हम कौन हैं, तेरे ये आंसू हंसी में बदल जाएंगे। घबरा मत, हम तुझे रानियों की तरह रखेंगे। अरे भानु, ये चूड़ियाँ किसके लिए खरीद रहे हो? अरे बुद्धू, ये भी कोई पूछने की बात है? देखती नहीं, सारे चेहरे पर कमली ही कमली लिखा है। लेकिन कमली है कहाँ? होली के बाद तो नजर ही नहीं आई। यही मैं तुमसे पूछना चाहता था संतो, कमली है कहाँ? लगता है वो गांव छोड़कर चली गई। मेरे लिए? हाँ। जा के पहन के देख ले, अगर छोटे बड़े हुए ना तो अभी जाके बदल लेंगे। बावले तो नहीं होगे, घर जाके पहनूंगी। तेरे घर मैं कैसे आ सकूंगा? तुझे दिखाने कल आ जाऊंगी ना। कल नहीं, कल में बहुत देर है, मैं अभी देखना चाहता हूँ। अभी नहीं, जरूर देर हो रही है। देखो अगर तुमने मुझे अभी पहन कर नहीं दिखाया मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन बाबा यहाँ जगह कहाँ है? क्या जगह क्यों नहीं, कितनी तो जगह है, कहीं इनके पीछे जाके बदल लेना। हाँ
शहरों में। छोड़ो नहीं, छोड़ो ना। मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं। बहुत बड़ी भूल हो गई है मनु। नहीं जानकी, कोई भूल नहीं हुई, जो होना था वही हुआ है। समझो हमारा ब्याह हो गया है। सूरज कैसे डूब गया, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का, मैं जो तुम्हारे साथ हूं। न बारात आई, न पंडित बैठे, अग्नि को साक्षी किया। बारात भी आएगी, पंडित भी बैठेगा, सब कुछ होगा और बड़े धूमधाम से होगा। लेकिन कोई नहीं मानेगा मनु। क्यों नहीं मानेंगे, सब मानेंगे। मैं अपने बापू के पैर पकड़ लूंगा, वो तुम्हारे बाबा के पैर पकड़ लेंगे। कोई इतना पत्थरदिल थोड़ी है जानकी। कैसा अंधेरा जा गया। अचार लोगे? अचार क्यों नहीं लाला, काहे का है? नींबू का है। अरे वाह, नींबू का अचार खाने को तो मैं तरस गया हूँ। कहाँ से आया है? मेले से लाई। क्या बात है, खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। रूपमती यहाँ आई थी या तू उसके यहाँ गई थी? रूपमती? कौन रूपमती? ये अचार बाजार का नहीं है, रूपमती के हाथ का बना हुआ है। बहन को बुला दिया लेकिन उसके हाथ के बने हुए अचार को नहीं बुला सके। बाबा, ये नफरत की निशानी है या दबे हुए प्यार की? ये इस घर में कैसे आया? क्या फर्क पड़ता है बाबा, अचार है कोई जहर तो नहीं? जहर है, जिसने मेरी और मेरे खानदान की नाक काट के रख दी, उसके हाथ की बनी हुई चीज तो दूर, छुई हुई चीज भी जहर है मेरे लिए। जानकी, जानकी, बुआ। क्या हुआ जानकी, क्या हुआ बेटी, बता क्या हुआ? वो अचार, बाबा ने वो अचार फेंक दिया। बुआ, वो मेरे ब्याह को कभी राजी नहीं होंगे। मेरा क्या होगा बुआ, क्या होगा? जानकी बुआ, क्या हुआ बुआ, क्या हुआ बुआ जी? पानी, पानी। बहुत देर लगा दी बेटी, कहाँ चली गई थी? बाबा से नाराज हो गई आज? कोई बात नहीं, हम तुम्हें अभी खुश कर देंगे। ये देख, तेरे लिए क्या आया है। क्या है ये? अरे तू कपड़ा उठा के तो देख। धीरेन के घर से आया है तेरे लिए। किस लिए? किस लिए? जानती नहीं ऐसी सौगात किस लिए आती है? नहीं नहीं बाबा, लौटा दो इसे। लौटा दूं? धीरेन में कोई खामी नजर आई तुम्हें? ये बात नहीं है बाबा। तो शक्ल सूरत का अच्छा नहीं, लिखा पढ़ा नहीं, कमाता नहीं, चाल चलन का अच्छा नहीं, कोई बदतमीजी की उसने तुम्हारे साथ?
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बाबा। तेरे दिल में कोई और बात है। कौन है वो? मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? बाबा तुम नाराज हो जाओगे। फिर भी कभी तो बताना ही पड़ेगा। या अपनी बुआ की तरह कुछ करने का इरादा है? नहीं बाबा नहीं। तो फिर बोल, मैं भी सुनूं। कौन मेरे बचपन के दोस्त राम अवतार के हीरे जैसे बेटे से भी बढ़कर है? बाबा उसका नाम है मनु। संग्राम सिंह का बेटा मनु? हाँ। जो मेरी बहन को भरे मंडप से डॉक्टरों की तरह उठा के ले गया, उसके भाई का बेटा मनु, और जिसने दुनिया भर में मुझे बदनाम कर रखा कि मैं उसके भाई का कातिल हूँ, उसका बेटा मनु? कब से चल रहा है ये? तू जानती नहीं, भोली भाली लड़कियों को वरगलाना इस खानदान की पुरानी परंपरा है। क्या इरादे उस लड़के के? बोलती क्यों नहीं? उसके पिता आपसे बात करने आएंगे। वो क्या बात करने आएगा, मैं खुद ही उसे बात करके आता हूं। संग्राम सिंह, तुम्हारे भाई का खून मैंने किया था या नहीं, ये बात जाने दो, पुरानी हो गई। लेकिन अपने बेटे को संभाल लो, वरना उसका खून मेरे हाथों से जरूर हो जाएगा। तुम्हारी दुश्मनी का जवाब देना मुझे खूब आता है प्रताप सिंह, लेकिन हम घर आए दुश्मन का भी स्वागत करते हैं। अंदर आओ, इत्मीनान से बैठो, बात समझाओ। तुम्हारे घर की चौखट पर पैर रखना मेरे लिए नरक में जाने से भी बदतर है। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ जो किया, वही तुम्हारा बड़ा बेटा मेरी मासूम बेटी के साथ करने की कोशिश कर रहा है। उसे समझा लो, वरना अंजाम वही होगा जो मैं कह चुका हूं। अरे बता दे क्या बात है, कोई छोकरी वोकरी का चक्कर है क्या? भैया यही तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे गधे, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तेरी कुछ मदद ही करूंगा मैं। भैया वो कमली है ना? हाँ। वो होली के दिन से गायब है। लड़की ढूंढ निकालने में कौन सी देर लगती है, मिल गई तो क्या इरादा है? इरादा? अरे लड़की भली है, बात आगे बढ़ानी हो तो बोल, बापू से अपनी बात करने जा रहा हूँ, साथ में तेरी बात भी छेड़ दूंगा, दोनों बारात एक साथ निकलेंगी। अरे वाह भैया, यही तुम्हारी बात तो मुझे अच्छी लगती अच्छा। है। बापू, कमली का नाम तो सुन लिया, इसकी लड़की का नाम भी तो पता चले। बाबू तो तुम यहाँ क्यों आ गए? हम दोनों घर आ ही रहे थे। कई साल पहले किसी ने मेरे भाई का खून कर दिया था, कल रात वो मेरी डोरी पर गरज कर गया है, कहीं तुम उसी की बेटी का नाम तो नहीं लेना चाहते? बापू ये दुश्मनी एक दिन में खत्म हो सकती है। मनु, अगर तू बसात की बेटी को मेरे घर लाना चाहता है तो तुझे उस दिन तक इंतजार करना पड़ेगा जब तू अपने हाथ से मेरी चिता को आग दे के लौटेगा। बापू, 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 मैंने जान को वचन दिया है कि पूरे मान सम्मान के साथ उसकी डोली अपने घर लाऊंगा। मेरी रगों में भी तुम्हारा खून है बापू, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना वचन नहीं टूटने दूंगा। कमली, कमली, मेरा रास्ता छोड़ दे भानु। तू कहां चली गई थी, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। तू ठीक तो है? अब मुझे जाने दे। तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? तुमसे नहीं, सारी दुनिया से छुपा रही हूं। कमली, मुझे ऐसे ना देख भानु, मैं तेरे लायक नहीं रही।
क्यों कमली क्यों? बच्चा है मेरे पेट में। तेरी मर्जी का है? नहीं, मेरी मर्जी का नहीं है। प्यार तो तुम मुझसे ही करती थी ना? हाँ मानू, हाँ। तेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की? अब इन बातों से क्या फायदा? किसने कमली? किसने कमली? किसने? मैं उसका खून पी जाऊंगा। नहीं मानू, नहीं। उसने मुझे ये घर दिया है, सब कुछ दिया है, अब मैं उसकी होके रहती हूँ। दिल का मामला है ठाकुर साहब, इस बीमारी का इलाज शहर के किसी बड़े अस्पताल में होना चाहिए। बैजी, डॉक्टर ठीक कहता संग्राम। अगर आप कहें तो मैं पूरा इंतजाम करवा देता हूँ, शाम तक एम्बुलेंस भी आ जाएगी इनको लेने के लिए। एम्बुलेंस? बहू तुम क्या कहती हो? हाँ, हिलना नहीं। मेरी पूछती हूँ तो मैं। ठाकुर साहब, मरीज की बेहतरी का सोचना डॉक्टर का काम है। ठीक है, इंतजाम करवा दीजिए। मेरे बच्चे, भानु, भानु, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी बेटे। नहीं भानु, नहीं, ये क्या? भैया, चाची को ठीक करके लाना। हाँ, हाँ भानु, हमारी चाची को क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। रो नहीं, नहीं, चाची ठीक हो जाएगी। सरकार, इंजन गर्म हो गया, जरा पानी ले लूं। शर्माती क्यों है? फोटो खींचने से तेरा चेहरा तो नहीं बिगड़ जाएगा? अच्छा, ये ले, और भी देंगे। अजीब बेवकूफ लड़की है लेकिन है खूबसूरत। भगत राम जी, सरकार इसका पता लगाओ। अरे वाह, पधारो पधारो पंडित शिवराम जी, कैसे आना हुआ? पहले मुंह मीठा कराओ ठाकुर। राजा साहब ने उसे पसंद किया है, लेकिन राजा साहब का तो कोई बेटा नहीं। सठिया गए हो ठाकुर। महाराजा जयपाल सिंह जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो उन्होंने मुझे याद किया? तुम्हारी बिटिया ब्याहने लायक हो गई है प्रताप सिंह, राजा साहब ने उसे पसंद किया है। राजा साहब ने उसे पसंद किया है, लेकिन राजा साहब का तो कोई बेटा नहीं। सठिया गए हो ठाकुर। राजा साहब तो बरसों से विदुर हैं, क्या उन्हें दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है? ठहर जा बुदिया, इस पंडित का मुंह मीठा कराने लायक नहीं है। क्या कहा? तुम्हें ऐसा संदेशा लाते हुए शर्म नहीं आई शिवराम? मैं भी विदुर हूँ, कल को राजा साहब की बेटी का हाथ अपने लिए मांग लूं तो उन्हें कैसा लगेगा? ऐसा ही कह दो महाराज से। हाँ हाँ कह दो। इतनी लंबी जबान हो गई हम ना शुक्रों की, वो दिन भूल गए जब उनके बाप दादा हमारे बाप दादा के हरम के दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े रहते थे अपनी बेटियों को लेकर। किसके साथ रिश्ता किया उसने? कोई पुलिस वाला है मामा जी। पुलिस वाला? देखते हैं उसकी डोली वो ले जाता है या हम।
हम है गुड गुड पंडित जी। मेरा नाम जानकी है। जानकी प्रताप सिंह की बेटी? हाँ। यहाँ क्या करने आई हो? जी मुझे मनु से मिलना है। मनु से मिलना है इस वक्त? हाँ तुझे मनु से मिलाता हूँ। चल पूछो अपनी बेटी से इतनी रात गए मेरे घर में क्या करने आई थी। आज मैं चाहता तो तुम्हारे मुंह पर ऐसी गाली पुछ जाती कि सर उठाने के लायक नहीं रहते। मैं बहुत शर्मिंदा हूं संग्राम सिंह, तुमने मेरी इज्जत रख ली। हम इतने पत्थर दिल नहीं हैं प्रताप सिंह। लड़की की बुआ हमारे घर की बहू है, लड़की की इज्जत में थोड़ी बहुत हमारी भी इज्जत है। मैंने अपने लड़के को दूर भेज दिया है, तुम भी अपनी लड़की को जल्दी ही उसके घर भेज दो। परसों ही लड़की की शादी है। माय गुडनेस नवज्योति तेज ऑपरेशन डॉक्टर। चाची चाची मेरा बेटी, रोने से क्या होगा, जाना तो एक दिन सभी को होता है। नहीं चाची ऐसा मत बोलो, तुमने सुना नहीं था आते समय मैंने भानु से क्या वादा किया था, अब जानकी क्या कहेगी। सुन मेरी आखिरी बात सुन, जानकी भी मेरी बेटी है लेकिन तेरे पापू तेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए। चाची 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 डॉक्टर नर्स। भानु भैया ये क्या हो गया भैया? बापू ओम मरिमणम देवम कन्याग्निम कहाँ ले जा रहे मुझे? बस थोड़ी दूर भैया। गुड महाराज डोली उठने वाली है। हमारे घर के सितारे गर्दिश में है भैया। चाची चल बसी, कमली भी चली गई और अब जानकी भी। क्या कह रहे हैं तुम भैया? भैया जो हो चुका उसे वापस नहीं लाया जा सकता। धीरज रख के मेरी बात सुनो। मानो ये कहने के लिए तो मुझे इतनी दूर लाया है, क्या बात क्या है भैया? चाचा ने जब ये बात सुनी थी तो चाची को मंडप से उठा लाया था, दोनों घर बर्बाद हो गए थे, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। भानु क्या कहना चाहता है बोल, क्या बात है? भैया भैया जब तक तुम घर पहुंचोगे जानकी की डोली जा चुकी होगी। भानु अब कुछ नहीं हो सकता, जानकी के फेरे हो चुके हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। मैं फेरे फेरे नहीं मानता भानु, जानकी मेरी है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। भैया क्या तुम दुनिया से अकेले लड़ोगे? जानकी के लिए मैं दुनिया से लड़ूंगा, अगर तू मेरा भाई है तो चल मेरे साथ चल। भैया भैया जानकी अब पराई हो चुकी है, उसे अपने घर जाने दो। जानकी कभी मेरे लिए पराई नहीं हो सकती, जानकी को मैं उसके असली घर लेकर आऊंगा, अपने घर। चल मेरे साथ चल। भैया रुको भैया, भैया रुक जाओ,
मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। भानु, अगर तू मेरा साथ नहीं देगा तो मैं समझूंगा तू मेरे लिए मर गया है। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें ये गलत काम करने नहीं दूंगा। अच्छा भानु। नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भानु छोड़ दे मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भानु मेरा हाथ उठा भैया। नहीं भैया, अच्छा भानु छोड़ दे मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दे। भैया रुक जाओ भैया। डोली हो डोली हो डोली डोली हो डोली, जब जब गुजरी तू इस डगर से, बिछड़ा कोई हम जोली। डोली हो डोली हो डोली डोली हो डोली।
माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गोली मत चलाना, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, तो ये सुहाग की जगह कलंक बनकर जानकी के माथे पर लग जाएगा। ये खून तुमने किया है? जी हां, इस आदमी से मेरी पुरानी दुश्मनी थी, मैंने आज अपना बदला ले लिया है। अब आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। राम खोरो, मैंने तुम्हें इस बहादुर के साथ इसलिए भेजा था कि तुम लोग इसकी लाश लेकर आओ। भेजा था? लेकिन पिताजी, आप तो कह रहे थे कि भैया न जाने कहां और क्या करने गए हैं। और आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जया, तुम राजकाज के मामलों में ज्यादा दखल देने लगी हो। खामोश रहो और अपनी तालीम पूरी कराओ। मैं खामोश नहीं रहूंगी। स्कूल में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं कि आपके सारे के सारे सिपाही डाकू बन चुके हैं और ये भी कहते हैं कि आपने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं। कौन गद्दार कहता है और तुम सुन लेती हो? तुम्हें अपने अपने पिता पर विश्वास नहीं रहा? देखो बेटी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सारी की सारी रियासत ना सही, कम से कम उसका एक छोटा सा हिस्सा तो हम अपनी बेटी के लिए सही सलामत छोड़ जाएं। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। ना जाओ, अच्छा है। और अब ये स्कूल तुम्हारे लायक रहा भी नहीं। हम अपनी बेटी की तालीम का बंदोबस्त विदेश के किसी अच्छे से अच्छे स्कूल में कर देंगे। बोलो कहाँ जाओगी? इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड? छुट्टियां खत्म हो गई। बहुरानी कैसी है? उसे आराम की जरूरत है और देखभाल की। तुझे छुट्टी और नहीं मिलती तो बहुरानी को कुछ दिन यहीं रहने दे। एक आध महीने बाद जब बिल्कुल भली चंगी हो जाए तब ले जाना। क्या बात करती हो, नए घर में अकेले जाते क्या अच्छा लगेगा? तो क्या हुआ बाबूजी, तब तक मैं अपना नया घर ठीक ठाक कर लूंगा। तुम्हें रोटियां चाहिए, बंदूक चाहिए, घोड़े चाहिए, सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, बड़े बड़े अफसरों से हिफाजत चाहिए, और ये सब तुम्हें मैं देता हूं। और तुम सब लोग इतने बुजुर्ग निकले, तुम्हारे बाजू इतने कमजोर निकले कि तुम एक बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके। कालू सिंह, उसके खानदान का निशान तक नहीं बचना चाहिए। बड़ो हुक्म सरकार। संग्राम सिंह, तुम्हारे लिए एक संदेशा है। इस वक्त कैसा संदेशा? कोई मामूली संदेशा नहीं है, मौत का संदेशा है। बाहर निकल भानु,
देखना लड़का भागने ना पाए। बाबू बच्चा बेटे, नहीं बाबू मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं बचा सकता बेटे, चला जा। नहीं बाबू नहीं। मेरे खातिर बेटे, इनसे बदला लेने के खातिर। दरवाजा खोलो बाबू, दरवाजा खोलो। बाबू बाबू तो ठीक कहो बाबू। जला दो इस घर को। हरिओम हरिओम। घोड़ा आसमान से टपक पड़ा, उस पे सवार कोई भी ना था, बस अकेला घोड़ा टपक पड़ा। तुमने कहा और हमने मान लिया, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। भोला सिंह, दिखाओ इनको एक नमूना। तूने मेरा घर जला डाला, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तेरा घर तो क्या, सारे गांव को जला दूंगा। बोल कहां छुपा रखा है उस आदमी को जो इस घोड़े पर सवार होकर आया था। बोल कमीने, अब और छुपे मेरे बाबू को। इतना सुंदर मुखड़ा और इतने तीखे दांत, उठा के ले जाऊं तुझे। अगर तूने मेरी बहन को हाथ लगाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून देखा है कभी या दिखा दे। ये पत्थर किसने मारा है मुझे? मैंने मारा, और अगर मेरे पति को छुएगा तो और मारूंगी। ये बच्चा तेरा है? सुनो गांव वालों, इस बच्चे की खैरियत चाहते हो तो भानु प्रताप से कहो कि वो बाहर निकल आए। खून बहता है और हम देखते रहते हैं। हमारे घर जलते हैं, हमारे खेत जलते हैं और हम देखते रहते हैं। हमारे हाथों की मेहनत, हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है, हमारे बड़े बूढ़ों की पगड़ियां उछाली जाती है। हमारी आंखों के सामने
और हम बुजदिलों की तरह खड़े खड़े देखते रहते हैं। क्या हो गया है हमें? क्या हमारी नसों में खून की जगह पानी बहने लगा है? इस जुल्म के खिलाफ उसमें जोश नहीं खोलता, खोलता है। राणा प्रताप की कसम, मेरा खून खोलता है। मां भवानी मुझे ताकत दे, मैं इस पाप को मिटा कर रहूंगा। तुम में से कोई मेरे साथ आता है तो अभी आए, वरना ये पीड़ा मैं अकेले उठाने जा रहा हूं। भानु, मैं तेरे साथ हूं। भानु नहीं, भानु मर गया। ये बंदूक जिसके हाथ में है, आज से उसका नाम भवानी है। जय भवानी। मैं भी आ गया भवानी। नहीं बेटे, जाने दो बापू, जाने दो भैया को। इन्हें मत रोको बापू, इन्हें आशीर्वाद दो। ये बंदूक तुम्हें मैं अपने हाथों से देती हूँ। जाओ भैया। एक बार फिर सोच लो बच्चों, तुम में और उन डाकुओं में क्या फर्क रह जाएगा? बहुत बड़ा फर्क रह जाएगा दादा। वो पाप का बोझ बढ़ाते हैं और हम पापियों का बोझ हल्का करेंगे। क्यों हवलदार साहब, कितने साल की सजा मिली है इस कैदी को? उम्र कैद है भाई, उम्र कैद। ये तुम्हारा नया घर है, आज से संभालो इसे। आओ ना। काम बढ़ते नहीं, मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं। अधिकार नहीं? चीची, ऐसी बात उठी भी कैसे तुम्हारे मन में? हाँ, बात देर से जुबान पे आके अटकी है। मैं मां बनने वाली हूं। सुनिए जी, आप ये सामान वापस गाड़ी में रख दीजिए। क्यों सरकार, सामान वापस ले जाऊं? हाँ? नहीं नहीं, ये सामान यही रहने दो, तुम जाओ। तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो जानकी? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरा भी तो दोष है, मैं भी तो तुम्हारी रक्षा न कर सका। नहीं नहीं, आप सारी बात गलत समझ रहे हैं। तुम मुझे इतना नीच समझती हो कि इस हालत में मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा? मैं भी तो अपनी मर्जी से ब्याह के लाया हूं तुम्हें। पंडितों ने मंत्र पढ़ दिए, आप इसे ब्याह मानते हैं? तुम्हारा इल्जाम ठीक है, मैं तुमसे दूर रहा, लेकिन मन से मैं तुम्हारे बहुत नजदीक हूं जानकी। बचपन की बात तो छोड़ो, जब से तुम्हें देखा बड़े होकर दिन पे दिन प्यार बढ़ता ही गया। मैं तो शादी की घड़ियां गिनता था, फिर आज सब हुआ। जानते हो मैं तुम्हारे पास ना आ सका, और कुछ तुमने भी मुझे दूर रखा। नहीं जानकी नहीं, रो मत जानकी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सर की कसम, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आई और ना कभी आएगी। सुनो, चुपके से कहीं दूर जाकर हम ये बच्चा गिरवा देंगे। नहीं, 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 क्यों नहीं? तुम एक नाजायज बच्चे को जन्म देना चाहती हो? मेरे बच्चे को गाली मत दीजिए, मेरा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? जानकी, तुम अपना सोच रही हो, मेरा भी सोचो। ये बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए तो कहते हो मुझे जाने दीजिए। जो घर मेरे बच्चे का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है? मैं जाती हूँ। नहीं जानकी, तुम नहीं जाओगी। ये घर पहले तुम्हारा है, बाद में मेरा है। लेकिन जन्म से पहले मैं अपने बच्चे को मौत के मुंह नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी, अपने बच्चे का मरने नहीं दूंगी, अपने बच्चे का मरने नहीं दूंगी, अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। ना रो जानकी, ना रो, मुझसे भूल हुई, मैंने एक मां के दिल को नहीं समझा।
ये बात मैं फिर कभी नहीं करूंगा। ये एक राजपूत का वचन है। क्या हुआ यार? बच्चा रो रहा है। बच्चा यहाँ जेल में? अरे सपना देखा होगा, सो जा। बधाई हो, लड़का हुआ है। बधाई हो राम अवतार, तुम दादा बन गए। अरे दादा तो हम बाद में, पहले तुम नाना बन गए। अरे धीरेन कहाँ गया? उसे भी तो खुशखबरी सुनाओ। अरे हाँ। अरे धीरेन, बहुत ही सुंदर सा नन्ना मुन्ना आया है भगवान के घर से। अरे इतना परेशान क्यों लग रहा है? ये जिम्मेदारियां ही तो जीवन का रस है। क्यों नहीं बाबूजी, मैं तो बेहद खुश हूँ। पीतल जी। सरकार इनके साथ जाओ, एक कागज देंगे ले आना। जी सरकार। बच्चा अकेला है, बहू रानी बाहर गई है। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। मेरा बच्चा? हाँ। तुम्हारे पति कहाँ है? घर में। और बच्चा? वो भी घर में। शादी के बाद से तुम अपने पति के साथ तो हो ना? हाँ। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो बच्चा मेरा? उन्होंने मुझे कभी छुआ नहीं। छुआ नहीं? नफरत करते हैं तुमसे? नहीं नहीं, बहुत प्रेम करते हैं। मेरे बारे में जानते हैं? नहीं। कभी पूछा नहीं बच्चा किसका है? नहीं। फिर भी बच्चे का जन्म होने दिया? ऐसे आदमी भी हैं इस धरती पर। मैं बच्चे को पालूंगी तुम्हारे लिए, जब तुम जेल से छुटकर आओगे। जानकी, मर कायद का मतलब समझती हो? अब मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। अब मेरी खातिर तुम एक ऐसे आदमी को जिंदगी भर धोखा देती रहोगी जिसने इन हालात में भी तुम्हारे बच्चे का जन्म होने दिया, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें प्यार दिया। इस देश में पति शब्द का अर्थ क्या है भूल गई हो तुम? उसने तुम्हें छुआ तक नहीं, ये उसकी महानता है। लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं किया कि ऐसे देवता स्वरूप आदमी के पैर पकड़ लूं? बहुत किया मनु, बहुत बार किया, लेकिन मन के किसी कोने से तुम्हें मुझे रोकते रहे। मुझे भूल जाओ जानकी, अपने उस पति की पूजा करो। अगर कभी मुझसे प्यार किया है तो आज उस प्यार की सौगंध देकर कहता हूं कि अगर कभी भूले भटके इस जन्म में मैं तुम्हारे सामने आ भी जाऊं तो पराया आदमी समझकर मुझसे पर्दा कर लेना। आंखें खोल दी मनु, मुझे अपना रास्ता दिखाई नहीं देता था। बच्चा अकेला है, बहू रानी बाहर गई है।
ठीक है मेरे यार, मैं समझ गया तेरी बात। तेरी मेरी भला क्या दुश्मनी है? मेरी तरह तू भी भूखा प्यार का। चला आ, थोड़ी सी दोस्ती कर ले। अच्छा देखा पंडित जी क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? हाँ जानकी, अरे कहाँ चली गई थी हमारे बेटे को अकेला छोड़कर? अरे मालूम है इसने तो रो रो के आसमान सर पे उठा लिया था, लेकिन जैसे ही अपने पिता की गोद में आया देखो कैसे संत बनकर बैठा है। और जरा सुनो पंडित जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में, इन्होंने तो इसकी कुंडली भी बना ली। पंडित जी बताइए ना बताइए। जन्म से पहले भले ही इस संतान ने माता पिता को बहुत कलेश दिए हो, लेकिन जिस घर में इसका जन्म हुआ उस घर का भाग्य चमक उठेगा। तुम देखना बेटी, अगले 7 सालों में तुम्हारे पति की तरक्की पे तरक्की होती जाएगी। तरक्की की किसे फिक्र है पंडित जी, बच्चा सुखी रहे, उसकी माँ सुखी रहे, हम उसी में सुखी हैं। अरे ये क्या, उठो जानकी, तुम रो रही हो? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। कैसी उल्टी बात कर रही हो, दुख तो मैंने तुम्हें बात दिए हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी पत्नी बनने योग्य नहीं थी। तो फिर एक नई बात सुनी, इतने दिन मैं ये सोचता रहा कि मैं ही तुम्हारा पति बनने के योग्य नहीं था। ऐसा ना कहिए, आप जैसा पति तो जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद मिलता है। तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसे भाव हैं, ये जानकर मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे पैर छू लूं। नहीं, चरणों में जगह मेरी है। नहीं जानकी, चरणों में नहीं। संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया मेला। बच्चे के लिए आपका इतना प्यार देखती हूँ तो मेरा जी कांपने लगता है। क्यों? आपकी जब अपनी औलाद होगी तो जाने आप इसे इतना प्यार देंगे या नहीं। देरा मुन्ने, तुम्हारी माँ को अभी तक हम पर भरोसा नहीं है, इससे पूछ। इसने भीष्म प्रतिज्ञा की कथा सुनी है, उन्होंने प्रण लिया था कि वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे। चलो आज हम भी एक प्रण लेते हैं कि तुम्हारे अलावा हमारी कोई औलाद नहीं होगी। नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तानी, हम तो तुम्हें ब्याह के लाए थे तेरे प्यार के लिए, औलाद का तो हमने कभी सोचा भी नहीं, फिर भी परमात्मा ने ये बच्चा भेज दिया, मेरे लिए बहुत है। मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी चल भाग। डैडी रेडी? यस। चलो मम्मी को पपी दो। मम्मी से पपी लो। अब मम्मी से कहो कि पापा को पपी दो। पापा को पहुंचा दो। बदमाश। हाँ जी, गाड़ी कौन चलाएगा? विपिन।
खाना खा ले, कितनी बार बुलाना पड़ेगा तुझे? जा माँ, बस मछली फंसने वाली है। मछली के बच्चे एकदम से आ जा, नहीं तो तेरा खाना मछलियों को डाल दूंगी। कितनी बड़ी हो गई है छोटी रानी। अरे अब तो बड़ी रानी कहो। सुबेदार सिंह जी, पहचान लिया है? आओ बेटी। राजा साहब अंदर जाओ। आपके कुछ मुलाजिम आपसे मिलने आए हैं। कौन? ए, इधर देखो। मेरे मुलाजिम? हाँ राजा साहब, आपके मुलाजिम। पहले कुछ और काम करते थे, अब कुछ और काम करते हैं, पहचानिए इन्हें। एसपी, धीमी आवाज करके बात करो। राजा साहब, आप अपने किसी मुलाजिम से बात नहीं कर रहे। मैं चाहूं तो आपको इसी वक्त गिरफ्तार करके थाने ले जा सकता हूं। पहचानो, पहचानो अपने मालिक को। अरे यहां नहीं बकोगे तो थाने जाके बकोगे, मुझे बकवाना आता है। बोलिए राजा साहब, राजा साहब बोलिए। एसपी साहब, ये शरीफों का घर है, यहां भी बातचीत करने के तौर तरीके थाने जैसे। अंदर तशरीफ लाइए। डैडी प्लीज, अपने मेहमान को अंदर ले आइए ना। चंद्रावती, जरा गरम गरम चाय तो बना। हिंदुस्तानी चाय का क्या स्वाद होता है, इन 7 सालों में मैं तो भूल ही गई हूँ। एसपी साहब, आपकी बातें अंदर भी तो हो सकती हैं। After you. ये मेरी बेटी है, आज ही विलायत से लौटी है। लीजिए। After you. Thank you.
पहचाना मुझे? आपको कैसे भूल सकता हूँ। कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ? जितने साल आपकी शादी को हो गए हैं। अच्छा तरीका है तुम्हारा हिसाब रखने का, आई लाइक इट। गुड मॉर्निंग एसपी साहब। गुड मॉर्निंग जले साहब, गुड मॉर्निंग। इस कैदी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या बताऊं साहब, पिछले किसी जन्म के पापों की सजा भुगत रहा है बेचारा, वरना ऐसे हाथों से खून कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो सिफारिश क्यों नहीं कर देते इसकी? मैंने तो कर दी है, आप भी अगर कर देंगे तो जल्दी छूट जाएगा। भैया सुना है कल पूरिया होने वाला है, क्या मालूम बाहर निकलकर मेरा एक काम कर देगा। मैं डाकू कालू सिंह के द्रोह का आदमी हूं, पिछले डाके में मैं पकड़ा तो गया लेकिन उससे पहले लूट का माल मैंने एक जगह छुपा दिया। अगर तू तो इसका पता कालू सिंह तक पहुंचा दे तो मुझे बहुत इनाम देगा। वो तो समझे लेकिन कालू सिंह मिलेगा कहां? ये भूखगढ़ का नक्शा है, जहां वो छुपा हुआ है वहां तुम पहुंच जाना, उसके नाम में तुम्हें एक चिट्ठी भी लिखे देता हूं। यही राख बच गई है तुम्हारे घर की, तुम्हारे बाप की। उस भयानक रात के बाद तुम्हारा भाई भी लापता हो। जिस डाकू की गोली से तेरा बाप मारा गया वो ये था। कालू सिंह, सुन रहे हो कालू सिंह, तुम्हारे बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं। हमने किले को चारों तरफ से घेर रखा है, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। पुलिस से बचाने के लिए आया हूं। लेकिन तुम हो कौन? जेल से तुम्हारे एक साथी ने भेजा है, कहता था तुमसे इनाम मिलेगा। ये मेरा आदमी है, ये तुम्हें खजाने तक ले जाएगा। कालू सिंह, जरूर मिलेगा। अगर तुम मुझे उस खजाने तक ले चलो तो तुम बच के नहीं जा सकते। इसे पकड़ो, हथियार डाल दो कालू सिंह।
वरना आज तुम्हारी लाश निकलेगी। तो मुझे बचाने आए थे अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए। किसके बेटे हो? ठाकुर संग्राम सिंह का नाम याद है? एक दोस्त मरे हुए तो कभी वापस आ नहीं सकते, ये ले ले और मुझे जाने दे। बस सारा का सारा ले ले। आज के दिन का अफसोस देर तक रहेगा। हाथ में आया हुआ कालू सिंह निकल गया। एसपी साहब, लेकिन हमारे हाथ से निकल कर कहां जाएगा? आपकी खिदमत में हाजिर है। मनु प्रताप, ये क्या? कालू सिंह 5000 इनाम तो मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, लो। रहते कहाँ? जी अपना कहाँ ठिकाना। रात हो गई, ठहरने का कोई इंतजाम है? जी सो रहूंगा कहीं किसी पेड़ वेड़ के नीचे। नहीं, आज रात तुम्हारे सोने का इंतजाम मैं कर दूंगा। आओ। कला? जी सरकार। एक बिस्तर का इंतजाम कर दो, ये साहब रात यहीं सोएंगे। अच्छा सरकार। मुंह धो लो, पानी भी है और कमरा भी है। अगर अंदर सोना चाहो अंदर सो जाओ, बाहर सोना चाहो बाहर सो जाओ। जानकी, तुम्हें याद है एक आदमी ने तुम्हारी जान बचाई थी टोली के वक्त? उसे लंबी कैद हो गई थी, अचानक मुझे आज मिल गया। शहर में उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं उसे साथ ले आया हूं। यहीं सो जाएगा मालिक के कमरे में। आदमी मुझे भला लगा। सुनो, ऐसा करो उसके लिए थाली में परोस कर खाना भिजवा दो। कभी भूले भटके इस जन्म में मैं तुम्हारे सामने आ भी जाऊं
तो पराया आदमी समझकर उसे पर्दा कर लेना। वीरेन, क्या है मम्मी? मम्मी का एक काम करो, किताब छोड़ो। चलो उठो बेटा, खाना। खाना मेरे लिए लाए हो? हाँ, मम्मी ने कहा तुम डैडी के मेहमान हो, मैं खाना लाऊंगा तो तुमको अच्छा लगेगा। बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकुर वीरेंद्र सिंह और मेरे डैडी का नाम है ठाकुर वीरेंद्र सिंह और मेरे दादाजी का नाम है ठाकुर राम उतार सिंह। ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी, आप मेरे साथ खाना खाएंगे? नहीं। क्यों? तुम्हारे कपड़ों में से बू आती है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह। अरे डैडी के मेहमान, तुम स्कूल में क्या करने आए हो? ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। घोड़ा? अब बेटे आओ हमारे पास, देखो अभी हमारे कपड़ों से बू नहीं आती। आओ देखो, नहीं आती ना? नहीं, आज तो साबुन की खुशबू आ रही है। बेटे चलो हम घोड़े पे बैठाते हैं। हम राजपूत हैं, हम लकड़ी के घोड़े पे नहीं बैठते। अरे मेरा बहादुर बेटा। मेरे डैडी। बेटे। डैडी। डैडी। ओ। आज हमारे बेटे का स्कूल कैसा रहा? अच्छा रहा। मम्मी के पास चलेंगे? हाँ। हाँ, चलो। मनु? रुको मनु बेटे। जी। मुझे अफसोस है, बहुत सी बातों का अफसोस है। चलो कुछ दिन मेरे साथ रहो, यकीन मानो अब वो तुम्हारे दुश्मनों का घर नहीं रहा। जी, चलिए। हमारा शेर कालू सिंह इस धरती से उठ गया और उसका कातिल हमारे ही राज में जिंदा घूम रहा है। उसकी मौत का बदला लेने के लिए हमें खुद जाना पड़ेगा। ठाकुर प्रताप सिंह। कौन है? किवाड़ खोलो। ये जरूर डाकू है, मुझे मारने के लिए आए हैं। किसकी मजाल? कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे घर में जो मेहमान है उसे बाहर भेज दो। क्या काम है उसके साथ? ज्यादा बात ना करो ठाकुर, दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी जान भी चली जाएगी। जानता है किससे बात कर रहा है बदमाश? हम राजपूत हैं, हमारे लिए मेहमान जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है ठाकुर, दुनाली हटाओ, हम जाते हैं।
हिम्मत है तो आप वापस आ। एसपी साहब, कुछ तोहफे और आपकी खिदमत में लाया हूँ। इनाम मिलेगा ना? हाँ मिलेगा मिलेगा। ऊपर आओ। शाबाश। मेरे डैडी कहते थे तुम बहुत बहादुर हो। अच्छा? ठाकुर मनु प्रताप सिंह जी, मेरे लिए छोटा घोड़ा लाओगे? छोटा घोड़ा? पोनी वाला। अरे पोनी वाला चाहिए बेटे, जरूर लेके आऊंगा, जरूर लेके आऊंगा। चल मेरे घोड़े, चल चल चल। क्यों मजा आ रहा ना? शाबाश। अरे वाह बेटे, क्या बात है। जय भवानी एसपी साहब। जय भवानी। दादी। ये क्या हो रहा बेटे? आपके बेटे को घुड़सवारी सिखा रहा हूँ एसपी साहब। अच्छा अच्छा, देखना कहीं गिर ना जाए। क्या बात करते हैं, हम इन्हें गिरने देंगे? इनकी जान तो हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्यों बेटे? आ जाओ राजा बेटा, आ जाओ। डैडी डैडी, ये पोनी वाला घोड़ा मेरा है। हाँ? अच्छा, ये इसने लाके दिया? इसने नहीं बेटा, इन्होंने। देखो ये तुमसे उम्र में बड़े हैं ना, क्या बोलते हैं? इन्होंने लाके दिया। अच्छा, तो आपने थैंक यू बोला? नहीं। ओ ये तो बहुत शर्म की बात है। भूल गया। कोई बात नहीं, चलो थैंक यू बोल दो। ठाकुर मनु प्रताप सिंह थैंक यू। जीते रहो बेटे। अच्छा मम्मी के पास चले? हाँ। चलो। एसपी साहब, अगर आप मुझे कहीं कोई काम दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, इस वक्त तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, हमारे बेटे को राइटिंग सिखा दिया करो, हम तुम्हें कुछ ना कुछ दे दिया करेंगे। आंधी आई, बीरेन की आंधी आई। जूनिया जी, बीरेन सो गया? वो तो अस्तबल में खेल रहा है मन्नू के साथ। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, खेलने दो। बस बेटे अब तो हम थक गए। हमारे डैडी तो कभी नहीं थकते। अच्छा? और कहानी भी सुनाते हैं। कहानियाँ भी सुनाते हैं? हाँ। कौन सी कहानियाँ? हाथी की। हाथी की? फिर तो तुम्हें बहुत सी कहानियाँ आती होंगी, हमें भी सुना ना। पहले आप हमें एक कहानी सुनाओ, फिर हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। पहले मैं सुनाऊं फिर आप सुनाएंगे? ठीक है चलिए मैं सुनाता हूँ। वीरेन को बुला लो ना, काफी देर हो गई है। अरे घबराती क्यों, आ जाएगा। बेचारा अकेला है ना जिंदगी में, उसे हमारे बच्चे से प्यार हो गया है। कहानियां सुनाती है पवन आती जाती, कहानियां सुनाती है पवन आती जाती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। कहानियां सुनाती है पवन आती जाती। है ये बात बड़ी सुहानी थी वो रात, दिया और बाती मिले मिलके जले एक साथ। बहुत दिनों की है ये बात बड़ी सुहानी थी वो रात, दिया और बाती मिले मिलके जले एक साथ। ये चांद ये सितारे बने सारे बाराती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। उठाई दोनों ने कसम
जले बुझेंगे साथ हम, उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम, उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। मिलन के साथ साथ ही जुदाई भी है आती, एक था दिया एक बाती, कहानियां सुनाती है पवन आती जाती। जोत को दिए दुआ, तुझको कोई गम न हो, तुझको कोई गम न हो, रोशनी ये कम न हो, रोशनी ये कम न हो, तू किसी के घर जले, खुश रहे फूले फले, खुश रहे फूले फले, खुश रहे कहानियां सुनाती है पवन आती जाती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया। इन बढ़ती हुई डकैतियों की वजह से मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, अब की तो दिल्ली से जान पड़ी है। सर, अगर जड़ सलामत रहे, आप जितने पत्ते काटिए उतने ही नहीं निकल आते। जड़, तुम्हारा इशारा फिर से राजा साहब की तरफ है। आप खुद ही सोचिए, राजा साहब का घर तो छोड़िए, उनके दूर के रिश्तेदारों के यहां भी कभी डाका पड़ा है? का हर जगह पड़ता है, राजा साहब के घर में क्यों नहीं पड़ता? एक हो जाए, बड़े बड़े अफसर लोग बैठे हो और उनकी आंखों के सामने ही हमारा खुद का महल लुट जाए, क्यों? अगर आपने भागने की कोशिश नहीं की तो आपके हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने चिल्लाने की कोशिश की तो आपका मुंह भी बांधा जा सकता है। आउच! छोड़ दो इन्हें।
चोरी करने को कहा था, डाका डालने को कहा था, हमारी इतनी चोरियां लूट लेते, हमारे महल को आग लगा देते, लेकिन हमारी बेटी को उठाने की जरूरत क्यों लगी? छोड़ दे मुझे, डाकू लुटेरे, मेरे डैडी तुझे जरूर ढूंढ निकालेंगे और तेरी बोटी बोटी कर देंगे। और उससे पहले मैं आपका क्या हाल कर सकता हूँ, जरा उस पर भी विचार कीजिए। याद रहे मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, मेरे बारे में किसी को बुरा ख्याल भी आया तो उसे सजा मिल सकती है। राज गए पर अकड़ नहीं गई। जरा जमीन पे उतरे राजकुमारी जी, वक्त बदल चुका है। जो कल यहाँ के राजा थे आज यहाँ के सबसे बड़े डाकू हैं। किसकी बात कर रहे हो बदतमीज? इतनी भोली मत बनिए राजकुमारी जी, जैसे कि आप जानती नहीं कि आज का ये डाका आपके पूज्य पिताजी ने खुद डलवाया था। होश में तो हो? हाँ, ये बात और है कि उनकी बेटी को उठा ले जाना उनकी साजिश में नहीं था। ये खाकसार कब भेस बदल कर राजा साहब के पालतू कुत्तों में शामिल हो गया, किसी की आंख इतनी तेज नहीं थी कि देख सके। हाँ, you must be out of your mind. I am not out of my mind. I am a Rajput and I never speak a lie. You speak English. I am not a dacoit like you think I am. I am a freedom fighter and my mission in life is to eliminate once and for all the filthy bastards that your father is patronizing. And that includes your dear father too. तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। तो फिर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। या तो आप भोली बन रही हैं मैडम, और या तो फिर आप सचमुच में भोली हैं। किस बारे में भोली हूँ? उधर देखिए, इस बारे में भोली है। माँ, माँ, पिताजी आ गए। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि पिताजी मत कहा कर, बोल महाराज आ गए। क्यों, वो मेरे पिताजी नहीं है क्या? है क्यों नहीं, लेकिन जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनके बच्चे भी उन्हें महाराज कहकर पुकारते हैं। प्रणाम करो बेटे। जीते रहो, जाओ थोड़ी देर खेल कर आओ, हम तुम्हारी माँ से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हम महीने में एक दिन तुम्हारे साथ बिताने आते हैं कमली, और उस दिन भी तुम इस बच्चे को अपने दामन से चिपकाए रखती हो। बच्चा है, उसे भी तो अपने पिता की पहचान होनी चाहिए। अब ये बड़ा हो गया है कमली, तुम इसे स्कूल क्यों नहीं भेज देती? स्कूल में बच्चे के पिता का नाम भी तो लिखवाना पड़ता है। इन बच्चों के बाप नहीं होते वो, क्या स्कूल नहीं जाते? लेकिन इसका तो बाप है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे को लोग हरामी कहकर पुकारे। ओ कमली, हम यहाँ अपनी थकान मिटाने आते हैं और तुम हमारी परेशानी बढ़ा देती हो। आप ही ने एक बार कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। कहा होगा, तुमसे ही नहीं बहुतों से कहा होगा, लेकिन कमली इस तरह अगर हम अपनी हर कही बात को निभाने लगे तो हमारी हजार बीवियां हो जाएंगी। हजारों को तो मैं नहीं जानता राजा साहेब, लेकिन इस लड़की के साथ आपकी शादी जरूर होगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो मैं आपकी मौत का फरिश्ता, लेकिन इस लड़की का सुहाग नहीं उजाड़ सकता। अब मौत से बचने का आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप इस लड़की का सुहाग बन जाइए। पंडित जी, जल्दी से वेदी सजाइए। जी हाँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको हमारे मामले में दखल देने का हक किसने दिया? हक मैंने अपने आप को दिया उस दिन, जिस दिन जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उसे राजा साहब के आदमी हमेशा के लिए उठा कर ले गए थे, और उस रात जिस रात मेरे निहत्थे बाप के जिस्म पर राजा साहब के डाकुओं ने गोलियां बरसाई थी। कहिए राजा साहब, क्या फैसला है
अधिपति समावस्तुस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् च त्रिशामा। अब बोल, मौत के फरिश्ते, तुझे कुछ कहना है? बस इतना कहना है राजा साहब कि दुनिया जाने न जाने, ये अग्नि जानती है, परमात्मा जानता है, और ये लड़की जानती है कि अब ये बच्चा हरामी नहीं है। और कुछ? मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है राजा साहब, आपकी गोली चलते ही एक गोली और चल जाएगी। जरा ऊपर देखिए, डैडी। बेटी, इसे भी डर में मत रहिएगा रानी साहिबा, कोई भी तकलीफ हो तो एक लाल कपड़ा छत पर फहरा दीजिएगा, मुझ तक खबर पहुंच जाएगी। मेरे जीते जी, मेरी ही रियासत में मेरी बेटी को एक डाकू इस तरह उठाकर ले जाए और मैं कुछ ना कर सकूं? जी में आता है मैं इन हाथों को काट के फेंक दूं। देखो कमली, वैसे तो माँ बाप को अपना हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन पहली औलाद फिर पहली औलाद होती है। इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। आप आगे दीजिए। तुम उसे समझा सकती हो, हो सकता है जवानी में हमसे कुछ भूले हुई हो, लेकिन कमली अब हम वैसे नहीं रहे। अपनी बेटी को हासिल करने के लिए हम उसकी कोई भी शर्त मंजूर करने के लिए तैयार हैं। अरे कमली, तू तू यहाँ, मुझे बुला लिया होता। मैं अपने पति का एक संदेशा लाई हूँ भानु, उन्हें यकीन है और मुझे भी कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे। आओ बैठ के बात करें। आ बेटे मेरे पास। क्या नाम है आपका? भानु। आओ, जरा नाला पार करना पड़ेगा। लाओ ये बच्चा मुझे दे दो भानु। आ बेटे। रुक जाओ भवानी। लगता है राजा साहब ने कोई चाल चली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरे साथ धोखा करने की क्या जरूरत थी? मैं आपका काम तो कर ही देती। तुम्हारा काम हो गया कमले, तुम अब वापस आ जाओ। वापस आप जाइए, मैं आपकी बेटी को लेकर पीछे पीछे आती हूँ। अपनी बेटी को हम खुद ले लेंगे, पहले हम इस बागी से निपटना चाहते हैं। खुद ही निपटना था तो उसी दिन निपट लेते जब ये हमारे घर आया था। मैं अपने आप को इसकी मौत का कारण नहीं बनने दूंगी। ये गोली जब इसके सीने की तरफ चलेगी कमले, तो ये नहीं देखेगी कि रास्ते में कौन है। रास्ते में एक ढाल है राजा साहब, जो गोली को इसके सीने तक नहीं पहुंचने देगी। पागल मत बन कमले, हट जा मेरे रास्ते से। नहीं मानू, मेरी वजह से तुम मर गए तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और अगर तुम्हें बचाते मैं मर गई तो मेरी मौत का भी मतलब रह जाएगा। शादी का नाटक मेरे साथ और दिल अभी तक आशिक का। नहीं राजा साहब, Thank you.
रही, संभल के। मैं आ रही हूँ डैडी, फायरिंग बंद कर दीजिए, कहीं गोली मुझे न लग जाए। रोक दो, फायरिंग रोक दो। आओ बेटी, आ जाओ। ऐसी भी क्या जल्दी है डैडी, इस आदमी ने मुझे इतना सताया है, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। चल उठ भवानी, सुना नहीं मैंने क्या कहा? खड़ा हो जा फौरन, वरना ये गोली तेरी खोपड़ी के पार निकल जाएगी। खबरदार, अगर कोई मेरी तरफ बढ़ा तो समझो इसका काम तमाम हो जाएगा। हिम्मत कर भवानी, थोड़ी और हिम्मत कर, थोड़ी और भवानी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर भवानी, वक्त तेरे पास भी कम है और वक्त मेरे पास भी कम है। चल घोड़े पे चढ़, चल घोड़े पे चढ़ मैंने कहा। जय बेटी, कहाँ जा रही हो? जय बेटी, जाओ। डैडी, अब तक मैं अपनी मर्जी के खिलाफ आपके दुश्मन के कब्जे में थी, अब मैं अपनी मर्जी के साथ आपके दुश्मन के कब्जे में रहूंगी। जय भवानी, जय भवानी। अजीब सा रिश्ता है मेरा आपके साथ, ये मेरा छोटा भाई है, जो रिश्ता है हमारा, उस रिश्ते के नाते तुम्हें एक उपदेश दूं? जरूर दीजिए। दुनिया में ढूंढने पर भी तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, इसे छोड़ना मत। कैसी तबीयत है भानु? कमली, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे तो राजकुमारी उठा के ले गई थी ना। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि राजकुमारी तुम्हें उठाकर ले जरूर जाएगी। क्या मतलब? मतलब उसी से पूछना, लेकिन भानु जरा प्यार से पूछना। सारी दुनिया बागी हो गई, हमें अफसोस ना हुआ, लेकिन आज हमारी बेटी ही बागी हो गई। हमारे बाद इस सिंहासन का क्या होगा? क्या कोई नहीं इस रियासत में जो इस भवानी का जवाब हो? एक है महाराज। कौन? उसका बड़ा भाई मनु प्रताप सिंह। हमने तुम्हारी बहादुरी की चर्चा सुने, हमारी रियासत के दिन होते तो हम तुम्हें अपना सेनापति बना लेते। बहरहाल हम तुम्हारे लिए कुछ करना जरूर चाहते हैं। बोलो तुम्हें क्या इनाम दें? आपकी मेहरबानी बहुत है राजा साहब, मेरी जिंदगी की जरूरत में बहुत कम है। आप फरमाइए, आपने मुझे किस लिए याद किया? देखो मनु प्रताप सिंह, हम दोनों में कितनी भी दूरी हो, लेकिन इस एक बात पर तो हम दोनों हम ख्याल हैं कि तुम्हें भी डाकू से नफरत है और हमें भी। उस डाकू से तो तुम बदला ले ही चुके हो जिसने तुम्हारे बाप का खून किया, लेकिन वो डाकू अभी तक जिंदा है जिसने तुम्हारे भाई का खून किया। भाई का खून? मैं तो समझता था मेरा भाई कहीं ना कहीं जरूर जिंदा होगा। इसका मतलब है तुमने भवानी डाकू का नाम ही नहीं सुना? लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में जिस नाम का कोई जिक्र नहीं है। पुलिस इतनी होशियार होती तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ती? ये 2,000-5,000 जो तुम्हें मिलते हैं कोई पुलिस वाला क्यों नहीं ले गया? ये रहे 50,000 उस सूरमा के लिए जो तुम्हारे भाई के कातिल को खत्म करे। आपको मेरे भाई के कातिल में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मनु प्रताप सिंह तुम्हारे भाई का कातिल ही हमारी बेटी को उठा कर ले गया है। 50,000 अपने पास रखिए राजा साहब, मुझे भवानी का पता बताइए। अरे प्रताप, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि भवानी खुद तुम्हारे पास आए।
तुम हमारे शाही खजाने का संदूक लेकर भवानी के इलाके से गुजरोगे और सुबेदार सिंह अगला गांव जो लूटो लूट का माल हमारे शाही संदूक में भरकर इसके हवाले कर देना। मेरा भाई कहाँ था तू भैया? मानो दोनों भाई मिल गए हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पुलिस को इतला कर दीजिए सरकार। इतनी मुस्तैदी का दावा करते हैं आप लोगों की आंखों के सामने जो डाकू मेरी बेटी को उठाकर ले गया उसे तो आप पकड़ नहीं सके। खैर ये तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं कि आपके एसपी भी उसके साथ मिले हुए हैं। मुझ पर यह क्या इल्जाम लगा रहे हैं राजा साहब? इस तरह आंखें दलेर का मुझसे बात मत कराओ। क्या ये सच है कि तुम बार बार एक ही आदमी को डाकुओं को पकड़ने का इनाम देते जा रहे हो? इनाम किसी को मैं नहीं दे रहा हूँ। एक आदमी बार बार डाकू पकड़ कर लाता है और अपने हक का इनाम ले जाता है। नहीं, वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं, उस डाकू का भाई है जो मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। अगर ये सच है तो मैं उन दोनों भाइयों को खुद हथकड़ी लगा के यहाँ लेकर आऊंगा, और अगर ये सच ना निकला राजा साहब तो वही हथकड़ी ये झूठा इल्जाम लगाने वाले के हाथों में भी लग सकती है।
सबने हिंदुस्तान कहा और हमने अपनी जान कहा, अपने जान से अपने जान, अपने जान से अपने जान बचा के हमें क्या करना है, यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। तू ही तू दिल को याद है तू ही तू, देश के बाद है तू ही तू, बांध के सहरा तेरे ही कदमों में ये सर धरना है, यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। जीवन है संग्राम अभी, प्यार का नाले नाम अभी, जीवन है संग्राम अभी, प्यार का नाले नाम अभी, तेरी मांग में ओ गोरी सिंदूर लहू से भरना है, यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। एस पी साहब आप यहाँ? मनु प्रताप सिंह, तुम कत्ल के इल्जाम में जेल काट कर आए, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जैसा कोई अपने बिछड़े हुए भाई के साथ करता है। इसमें क्या शक है? आज किसी ने मेरे नाम पर यह कलंक लगाया है कि जिसके साथ मैंने भाई जैसा बर्ताव किया है वो किसी भवानी डाकू का भाई है। आपके नाम जिसने ये कलंक लगाया है एस पी साहब, उसका नाम मुझे बताइए, मैं उसका नाम और निशान मिटा के रख दूंगा। पहले ये बताओ
बात सच है या झूठ? सच ये है कि वो मेरा छोटा भाई है, और अगर ये भी सच होता है एसपी साहब कि वो एक डाकू है, तो मैं उसकी लाश अपने घोड़े पर लादकर आपके दफ्तर में छोड़ देता। तुम्हारा कोई भाई भी है, ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? ये बात तो मुझसे भी छुपी थी, मुझे भी भड़काया गया था। आपकी तरह मैं भी भवानी डाकू की तलाश में निकला था। एसपी साहब ये देखिए मेरी गोली का निशान इस बात का सबूत है, पर डाकू ना निकला, भाई निकला। बेसहारों का सहारा, अत्याचारियों का दुश्मन, एक सच्चा राजपूत निकला। एसपी साहब, इसके खिलाफ एक भी इल्जाम साबित हो जाए तो इसकी जगह मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं। भवानी, तुम पर यह इल्जाम है कि तुम राजा जयपाल सिंह की लड़की को उठा लाए हो। आपने राजा जयपाल सिंह की बेटी को कभी देखा है? अगर मैं धोखा नहीं खा रहा, आप ही उसकी बेटी। मुझे यहाँ कोई उठाकर नहीं लाया है, मैं अपनी मर्जी से इन लोगों के साथ रहती हूँ। आपको पुलिस स्टेशन चलकर यह बयान देना होगा, तब तक के लिए मुझे मजबूरन भवानी को गिरफ्तार करना होगा। भवानी को जो गिरफ्तार कर ले, ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ एसपी साहब। फिर मुझे तुम्हें भी गिरफ्तार करना होगा। किस किस को गिरफ्तार करेंगे एसपी साहब? गिरफ्तार ही करने का शौक है तो पहले उसे क्यों नहीं करते, जिसने आपको यहाँ भेजा है? किसने मुझे भेजा है और आप कौन है? मैं उसकी पत्नी हूँ और उसकी रग-रग पहचानती हूँ। कितने डाकू उसने पाल रखे हैं मैं जानती हूँ। कैसे वो आप पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकता है मैं जानती हूँ। उसे आप छू भी सके इतनी आपकी हिम्मत नहीं, और भवानी को गिरफ्तार करने चले आए आप? देखिए, कानून के रखवाले होते हुए भी हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत लाइए, फिर देखिए हिम्मत हमारी। इस तरह हवा में बातें करने से क्या होता है? जब तक आप ठोस सबूत मांगते रहेंगे, बातें हवा में होती रहेंगी। मेरी आंखों के सामने मेरे बाप का खून कर दिया गया, मेरा घर जला दिया गया। अपनी आंखों से बढ़कर क्या ठोस सबूत लाओ? मेरे खेत जला दिए गए, इस मासूम लड़की को डाकू उठा कर ले गए। कौन ठोस सबूत देगा? वो डाकू गांव के गांव लूट लिए जाते हैं, बच्चे अनाथ, औरतें विधवा हो जाती हैं, बूढ़ों का सहारा नहीं रहता, जुल्म आसमान को छूने लगता है, और आप कहते हैं कि आप कानून के रखवाले होकर भी आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है एसपी साहब, इस बात को हम बहुत पहले समझ गए थे, इसलिए अब हम अपनी रखवाली खुद करते हैं। रूपा, लाना तो मेरी बंदूक, इससे करते हैं। हमने कभी आपके रास्ते में आने की कोशिश नहीं की, आप भी हमारे रास्ते में कभी मत आइए। जय भवानी! तुमने बंदूकें दिखाकर ठीक नहीं किया भवानी, तुमने सरकार से न्याय से टक्कर ली है। सही होते हुए भी गलत हो गए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अगर कानून गलत है तो उसे बदला जा सकता है, अगर न्याय गलत है तो उसे बदला जा सकता है, अगर सरकार गलत है तो उसे भी बदला जा सकता है, लेकिन बंदूकों से नहीं। क्योंकि बंदूक को उठाते ही तुम सही को गलत कर देते हो, अन्याय को न्याय से बदलना चाहते हो, बदल पाते हो तो भी, नहीं बदल पाते हो तो भी न्याय की हत्या करते हो। मैं तुम सब लोगों को वचन देता हूं कि मैं तुम लोगों को न्याय दिलाऊंगा, कि आज से मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, आज से मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, आज से मैं तुम्हारे दुश्मनों को सजा दिलाऊंगा, अगर तुम लोग सब मिलकर मेरे हाथों को मजबूत कर दो तो। वो कैसे एसपी साहब? अपनी बंदूकें मेरे हाथ में दे दो। नहीं, हम पुलिस वालों पे भरोसा नहीं करते। मेरी बात सुनो, मुझे एसपी साहब पे पूरा भरोसा है। भानू, एसपी साहब ने जो कुछ भी कहा है, समझ मैंने कहा है, मेरे बड़े भाई ने कहा है। ला, अपनी बंदूक मुझे दे दे। भानू, ला भानू। Thank you.
राजा साहब कहाँ हैं? जी वो अंदर नहीं है जी, उन्हें बुखार है। कौन से कमरे में? जी उन्होंने मना किया है। मैंने पूछा कौन से कमरे में है? इनका बुखार उतारने में कितनी देर लगेगी डॉक्टर? इन्हें मेरे साथ थाने चलना है। वीरेंद्र सिंह, ये हमारा महल है, तुम्हारी परेड ग्राउंड है। फौरन यहाँ से बाहर हो जाओ और अंदर आने की इजाजत मांगो। इसी शिष्टाचार में तो इतने साल गुजर गए राजा साहब। ये जूते पहनिए और चलिए मेरे साथ। तुम तो क्या, तुम्हारे अच्छे भी हमारे सामने इस तरह बात नहीं करते। हेलो, मैं महाराजा जयपाल सिंह बोल रहा हूँ। आईजी साहब को फोन दो। सर, राजा साहब का फोन है। आईजी स्पीकिंग। सिद्धेश्वर, ये तुम्हारा एसपी कुछ पागल हो गया है, जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसाया है और भौंक रहा है। ऐसी भी क्या बात होगी, जरा उसको फोन दीजिए। ये सर। अरे भाई, राजा साहब क्या कह रहे हैं? सर, आज इन्होंने पूरे के पूरे गांव को आग लगा दी। कई आदमी मार दिए, औरतों को घायल कर दिया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। साबित कर सकोगे इस इल्जाम को? अदालत सबूत मांगेगी। सबूत इसका ही नहीं, और भी बहुत सारे सबूत हैं इस वक्त मेरे हाथ में। ऐसे बयान हैं इनकी पत्नी के, इनकी बेटी के, जो ये साबित कर देंगे पिछले इतने सालों से जो भी जुर्म, जो भी अत्याचार इस स्टेट में होते रहे हैं, उसके पीछे एक ही हाथ है, वो है राजा जयपाल सिंह का। और ये जेल जाएंगे उम्र भर के लिए। देखो धीरेन्द्र सिंह, हमें हर कार्रवाई कानून से करनी चाहिए। तुम फाइल लेकर फौरन मेरे पास चले आओ। अगर मैं मुनासिब समझूंगा तो उसके खिलाफ वारंट निकालूंगा। ठीक है? यस सर। ठीक है राजा साहब, कल सवेरे मेरे हाथ में वारंट होगा और आपके हाथ में हथकड़ी। सुबह की बात, कल सुबह होगी एसपी। अभी शाम को जब तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारी पत्नी रो रही होगी। रास्ते में जरा पता करते जाना कि तुम्हारा बच्चा अभी तक स्कूल से घर वापस क्यों नहीं लौटा। उसे कहीं को डाकू वाकू तो नहीं उठा के ले गए? रात सोचना, और अगर पत्नी के आंसू ना देखे जाए तो सुबह वारंट की जगह ये फाइल लेकर आना। वीरेन, वीरेन, वीरेन अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। कभी ऐसा हुआ नहीं, वो खुद ना आ पाए तो बच्चे को तो भेज दिया करते हैं। एसपी साहब भी नहीं आए? नहीं, नौकरों को भेजा, वो भी खबर लेकर नहीं आए। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। सुनिए, बुरा ना मानिएगा, लेकिन आपका इस तरह बार बार यहाँ आना क्या मुनासिब है? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आज अगर मेरा घर स्वर्ग है तो आपकी दी हुई नसीहत की वजह से है। आपकी किसी भूल से ये उजड़ ना जाए। तुम ठीक कह रही हो जानकी, ना जाने क्यों एसपी साहब मुझे यहाँ खींच लाए, वरना तुम्हारे घर आने की बदतमीजी मैं कभी ना करता। और फिर वीरेन को भी तो तुम्ही ने मेरे पास भेजा था। मैं चाहती थी आप वीरेन को एक बार देख लें। बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने। वीरेन को याद कर लेता हूँ मेरे रेगिस्तान जैसी जिंदगी में, जैसे पानी बरस जाता है। अरे तुम कब आए? अभी। वीरेन नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं। आज स्कूल नहीं गए उसे लेने? जानकी, आज मैं इस इलाके का सबसे बड़ा अफसर हूं और इस इलाके के सब बड़े बड़े डाकू आज जैसे मेरी मुट्ठी में हैं। इस बात का वीरेन से क्या संबंध है? इन डाकू ने वीरेन को अपने कब्जे में कर लिया है। और आप सोच रहे हैं कि फर्ज निभाऊं या बच्चे की जान बचाऊं? क्या ऐसा सोचना मेरे लिए गलत है? आपका अपना बच्चा होता तो क्या ऐसा सोचते? वो मेरा बच्चा नहीं है, क्या ऐसा मैंने कभी सोचा? तो आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं, अगर सच में वो मेरा बच्चा होता
तो उसे पर्स की वेदी पर चढ़ाने के लिए एक पल के लिए भी ना हिचकिचाता, क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। इसलिए सोच रहा हूं, और ये भी सोच रहा हूं कि मैंने उसे कभी अपना बच्चा समझा कि नहीं, ये सिर्फ मेरा भगवान जानता है, ये मेरा दिल। लेकिन जानकी, तुमने मुझे उसका बाप नहीं समझा। ये सच नहीं है। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। धीरेन, तुम मुझे गलत समझे, मेरा ये मतलब नहीं था। सरकार एसपी साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें बाइज्जत अंदर लाओ। सुबह बहुत दूर थी राजा साहब, पत्नी के आंसू ने रात बहुत लंबी कर दी। फाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन नजर तो नहीं आ रही। लेकिन बच्चा भी तो नजर नहीं आ रहा। तो फिर तुम्हारे यहां आने की वजह? वो फाइल मेरे घर की नौकरानी झुनिया के पास है। मेरे बच्चे के बदले में वो फाइल आपको दे देगी। और अगर इसमें कोई धोखा हुआ तो? धोखा देने वाले को गोली मार दीजिएगा। मेरे डैडी, डैडी आपके आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है? यशवंत सिंह जी, एसपी साहब की आंखों से पट्टी खोलकर बच्चे की आंखों पर बांध दो। जी सरकार। और सुनो, एसपी साहब के घर जाओ, वहां तुम्हें जूनिया नाम की एक नौकरानी मिलेगी, और वो नौकरानी तुम्हें एक फाइल देगी, और उस फाइल को बेटे तुम्हारी जेब में चिट्ठी रख रहा हूँ, अपनी मम्मी को दे देना। दीदी जी, देखो पापा आ गया। धीरेन, मम्मी, धीरेन, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। डैडी ने चिट्ठी भेजी है। जानकी, धीरेन मेरा तो कुछ था ही नहीं, तुम्हारा था और मन्नू का। तुम दोनों को वापस सौंपता हूं, तीनों सुखी रहो, मेरी अब क्या जरूरत? नहीं, नहीं। क्या नहीं मम्मी? नहीं, नहीं। केस फाइल जयपाल सिंह। ओह, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। जब भी तुम इस घर में आते थे, मेरा दिल धड़कता था कि तुम क्यों आते हो, क्यों आते हो। आज उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली। जेल से छूटने के बाद हमेशा यही सोचता था कि मैं किस लिए जिंदा हूं। आज मेरी समझ में आ गया। तो मैं जानती, मेरी रगों में राजपूत का खून है। कुछ भी हो जाए, तुम्हारा सुहाग नहीं उजड़ेगा। रात कैसी रही एसपी? कुछ नाश्ता वाश्ता आए? नाश्ता तो मैं घर ही में जाकर करूंगा राजा साहब, पूरे 8 बजे मुझे कोई लेने आने वाला। अरे अरे, 8 तो बज गए। अरे कोई आए? अरे देखो, ऊपर जाके देखो, हमारी कोई जीप तो नहीं आई। राजा साहब, जीप नहीं, जीप है पुलिस की। जसवंत सिंह और पुलिस है, अपने अपनी पोजीशन ले लो।
तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। चुपचाप बाहर आ जाओ। सिद्धेश्वर सिंह, मैं हूं जयपाल सिंह, इस रियासत का महाराजा। हमारा राज्य हमसे छीन लिया गया है, हमने छोड़ा नहीं, इसलिए हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपने इन सिपाहियों को लेकर लौट जाओ। राजा साहेब, आपके स्वर्गवासी पिताजी के ये आखिरी लफ्ज थे कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। मैं आपको उनका वास्ता देता हूँ, आप बाहर आ जाइए। हमने अपने पिताजी की बात तब भी नहीं मानी थी और अब भी नहीं मानेंगे। अगर हम इतिहास को मिटा ना सके तो इतिहास को मिटाने की कोशिश में हम खुद मिट जाएंगे, लेकिन अपने इरादे से नहीं हटेंगे। किले का दरवाजा खोल दिया जाए। अगर तुम में हिम्मत है तो अंदर आकर हमें गिरफ्तार कराओ। अपने इस पुलिस अफसर को देखो और हमारे इन आदमियों को बंदूकों को, तुम्हारी एक गोली पर हमारी 50 गोलियां चल जाएंगी। और ऐसा ना हो कि हमें ले जाने की बजाय तुम्हें अपने इस पुलिस सुपरिंटेंडेंट की लाश को ले जाना पड़े। इसकी धमकी में मत आइए सर, मेरी जान की परवाह मत कीजिए। मेरी लाश गिरे तो गिरे, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। हमारे इस इलाके के सारे पापी इस घर में जमा है। मेरे साथ अगर ये भी खत्म हो जाए तो मैं समझूंगा मेरी मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा सफल रही। कान खोल कर सुन लो सिद्धेश्वर सिंह, थोड़ी देर में हम अपने आदमियों के साथ यहां से निकलेंगे। अगर किसी ने कोई रुकावट की तो तुम जानते हो कि क्या होगा। सुनाओ सब लोग, हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? रुको जरा।
एसपी साहब मेरे भाई को बचा लीजिए, चलिए यहां से, चलो। मुझे बता, जल्दी कीजिए एसपी साहब। भैया एसपी साहब, बच्चे को जन्म देने से ही कोई बाप नहीं बन जाता। बाप बनना क्या है, दुनिया वालों को आपसे सीखना चाहिए। जानकी के राम आप हैं और कोई नहीं। भवानी सिंह, शेरों की मौत गीदड़ों के हाथों से नहीं हुआ करती। इसीलिए तो गीदड़ के राज में भी सारे के सारे शेर जिंदा रह गए, लेकिन इस गीदड़ की मौत जेल के सलाखों में सड़ सड़ के होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपनी जान देकर भी तुम्हारे भाई को बचा सकते तो हमसे खुश नसीब कोई ना होता। इसकी अंतिम यात्रा हम पूरे सम्मान के साथ करेंगे। एसपी साहब, मेरा एक एक भाई था, मेरा सब कुछ, मेरे माता पिता की निशानी, इसे मुझे सौंप दीजिए। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी।